सकते हैं। अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। हमारी मदद के लिए शुक्रिया। आखिर वो घर कहाँ गायब हो गया? एक रेकून डॉग ने हमको पागल बना दिया। जो रात को हमने खाया वो तो असल में पत्तियाँ और धूल थी। पुराने जमाने के लोग कितने बुद्धू होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्हें लगता था कि रकून डॉग उन्हें बुद्धू बना सकता है। लेकिन ये बात सच है नोबिता। क्या? पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जब भी रकून डॉग्स को खतरा महसूस होता था तब वो एक स्पेशल वेव का इस्तेमाल करते थे। और जानते हो, जब भी इंसानी दिमाग उसे महसूस करता था तब उस वेव की वजह से उसे दिखता कुछ और था लेकिन होता कुछ और था। हाँ, तुम सच कह रहे हो? बुद्धू बनाया? क्या सच में? अरे मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ। फ्यूचर के साइंटिस्ट इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या कहा? डिसअपीयरिंग लिंग। तुम्हें बस इसे अपने सर पर रखना है और फिर इसमें से वेव्स निकलेंगी। अरे वाह, ये लीफ तुम पर काम नहीं करेगी क्योंकि इसे रकून डॉग के हिसाब से बनाया गया है। ये ठीक नहीं है, मैं भी उसे ट्राई करना चाहता हूँ। एक रकून डॉग। कितनी बार बताऊँ, मैं एक रकून डॉग नहीं हूँ, मैं एक कैट रोबोट हूँ। हाँ? एक मिनट रुको, हमें किसी रकून डॉग की जरूरत नहीं है, एक आम डॉग से भी हमारा काम हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। अजीब बात है। अरे नोबिता, ये क्या है और इससे क्या होगा? तुमने फिर से मेरे साथ मजाक किया ना? मैं जानता हूँ इसने काम नहीं किया होगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाता है जब कोई डॉगी डरा हुआ हो, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल ऐसे डॉगी पर किया जो खुश था। तो हमें किसी डरे हुए डॉगी को ढूंढना होगा। बोलो। मैं जानती हूँ कि वो हमें कहाँ मिलेगा, वो बहुत ही डरा हुआ है। वो देखो, उसका नाम है बेसो। वो तो बहुत थका हुआ लग रहा है। इसे कोई भी वॉक पर नहीं ले जाता, ये हमेशा यहीं पर बंधा रहता है। और तो और, कई बार इसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता और इसीलिए मैं इसे कभी कभी कुछ खिला भी देती हूँ। ये अपने मालिक से बहुत परेशान है क्योंकि वो इसका ध्यान नहीं रखता। क्योबो, क्या तुमने पढ़ाई कर ली? क्योबो, देखो ये वही है, उसका मालिक, और उसका निकनेम है क्योबो। वो देखने में काफी डरावना है, इसीलिए तो बेसो से बहुत डरता है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जानते हो, जब भी वो गुस्से में होता है तो अपना गुस्सा इस पर आकर निकालता है। इतनी गलत बात है, वो बहुत ही बुरा इंसान है। तुम ठीक तो हो ना? मेरे जैसा इस बॉल को कोई नहीं उछाल सकता। इस बॉल को गिरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, वहाँ से बॉल लेना बहुत खतरनाक है, जाना पड़ेगा। आखिर कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? अब तुम्हें मेरे इशारों पर ही नाचना होगा। हाँ, ये तो बदल गया।
मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ और ये डॉग मेरे सामने खड़ा है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। ए, ये चेन इसके गले में डालो। मैं कहाँ फंस गया? वैसे तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? देखो ये कितना खुश है। ये आज पहली बार आजाद हुआ है इसीलिए। अरे नहीं, वो तो मेरे पीछे आ रहा है। मुझे माफ कर दो, अब मैं वहाँ कभी नहीं खेलूंगा। वापस आकर मुझे खोलो। नहीं छोड़ूंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा बेसो। बहुत बढ़िया, ध्यान से। ये तो हारने वाला है। क्या बात है, क्या खेल रहे हो? आखिर उसने कर दिखाया। हाँ, ये तो बहुत तेज भागता है सच में। तुम बहुत तेज भागते हो, बहुत अच्छे प्लेयर हो। शाबाश। मैं तो अब कहीं भी नहीं घूम सकता। एक जगह पर बंधे रहना तो बहुत मुश्किल है। शायद ये सजा मुझे बेसो की वजह से मिल रही है। मैं उसे हमेशा बांध कर रखता था। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही बंधे रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भागो नोबिता, तुमने पहली बार बॉल को हिट करा है, जल्दी भागो। और ये आउट। वो तो आउट हो गया। कोई बात नहीं। जरा उसे देखो, वो पहली बार कितना खुश नजर आ रहा है। हमने तो कमाल कर दिया। आप प्लीज हमारे टीम के कोच बन जाइए ना, प्लीज मेरी बात मानिए। चलो अब इसे पकड़ के दिखाओ। शाबाश, तुम तो एक बहुत ही अच्छे पपी हो। तुम बहुत प्यारे हो। मुझे सब कुछ याद है। कमाल की कैच है। तो आज खेलने में मजा आया, लेकिन पता नहीं वो इस टाइम क्या कर रहा होगा। अगर वो वापस जाएगा तो वो उसे फिर से पकड़ लेंगे। तो फिर क्या वो ऐसे ही रहेगा? मैं
अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो जैसे मैं तुम्हें मारता था। हम घर आ गए। तुम्हें पता है नोबिता वक्त क्या हुआ है? हाँ माफ कर दीजिए नोबिता, आज तुम्हारा मैथ का रिजल्ट आने वाला था ना? गायब 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 गायब। मैंने तुम्हें बताया क्यूबो खाना तैयार है। ओहो पता नहीं ये कहाँ चला गया, कहाँ है।